वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको जैस्मिन और मोगरे का फर्क बताना चाहेंगे। दोनों एक ही फैमिली के फ्रेग्रेंट फ्लावर हैं और अक्सर हम इनके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। यह फूल जैस्मिन यानी कि चमेली के हैं। इस फूलों की पंखुड़ियां पतली और लंबी होती हैं। फूलों का रंग वैसे तो सफेद होता है, पर कई बार ये गुलाबी या हल्की पीली रंगत में भी आती है। और इसकी विशिष्टता ये है कि इसके पत्तों की लंबाई ज्यादा होती है, पत्ते लंबे आकार के होते हैं। वहीं मोगरा यानी कि बेला के फूलों की पंखुड़ियां भी गोल गोल होती हैं और पौधे के पत्तियां भी गोल गोल भी होती हैं। और आज की वीडियो में हम इसी मोगरे को उगाना सीखने जा रहे हैं। ये मोगरा यानी जैस्मिन का प्लांट है। जब भी आप मोगरा उगाना चाहेंगे आपको इसकी कटिंग लेनी होगी, क्योंकि इसमें बीज आते नहीं है जो आप इसे बीजों से उगाएंगे। जब भी कटिंग लेना हो तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ये ब्रांच को आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी पतली ब्रांच है। कंपैरेटिवली ये वाली ब्रांच थोड़ी मोटी है, तो आप इस ब्रांच से कटिंग लेंगे। इसे हम निकालेंगे और इससे कटिंग तैयार करेंगे, फिर इस कटिंग से इसका पौधा ग्रो होता है। आप जानना चाहते हैं कि मोगरा को कटिंग से कैसे उगाते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कटिंग लेने के लिए हमेशा शार्प नाइफ का इस्तेमाल करें, इस तरह से। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे मैंने तिरछा कट लगाया है। तिरछा कट लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है ना, इस कट का सरफेस एरिया बड़ा हो गया है, जिससे ये पानी सक करेगा और इस वजह से यहाँ पे रूट्स जल्दी अपीयर होंगे। साथ ही अगर आप इस तरफ के स्टेम का स्किन हटा दें, जो छिलके वाला हिस्सा है वो हटा दें, तो भी रूट जल्दी आती है। इसके अलावा आप इसमें रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं। इसको पानी में रख के पहले इसके रूट आने का भी इंतजार किया जा सकता है, या चाहे तो इसे सीधे तौर पर आप मिट्टी में लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके जो हैं बहुत कारगर होते हैं। ये देखिए, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की कटिंग काफी होती है। आपको ज्यादा बड़ी कटिंग लेने की जरूरत नहीं है, बस इसे यहाँ से कट करें। हाँ, बस कटिंग एक से ज्यादा तैयार करें, क्योंकि कोई भी विधि ऐसी नहीं है जिसमें 100% कटिंग लग जाए, ना तो पानी में, ना ही मिट्टी में, और ना ही रूटिंग हार्मोन लगाने से। तो कटिंग आप ज्यादा लेंगे तो उसमें अगर 50% भी कटिंग ग्रो करती है तो पौधे आपको मिल जाएंगे। और लीव्स को आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा लीव्स की आवश्यकता नहीं है। पत्ते अनावश्यक रूप से कटिंग से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी सोखेंगे और वेपराइजेशन का कारण भी बनेंगे, यानी पानी का ज्यादा उत्सर्जन कर देंगे, जिससे कटिंग सर्वाइव नहीं करेगी। इस वाली कटिंग में हमने थोड़ी सी पत्तियां रहने दी हैं ताकि ग्रोथ हो रहा है ये पता चले। इसे अब हम एक तरफ से स्क्रैच करेंगे, यानी इसके स्किन को हटाएंगे। हमने बताया था कि स्किन को स्क्रैच करने से जड़ें जल्दी अपीयर होती हैं। इसके लिए आप चाकू का इस्तेमाल करेंगे। बेहतर परिणाम के लिए आप कोई रूटिंग हार्मोन भी इसमें लगा सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड का बढ़िया रूटिंग हार्मोन इसमें लगाइए। रूटिंग हार्मोन लगाने का क्या तरीका है, इस स्क्रैच हिस्से को पानी से थोड़ा गीला करें और इस पर रूटिंग हार्मोन लगाएं। रूटिंग हार्मोन पाउडर इस पर तभी चिपक पाएगा। इसको गीला करके इसमें रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाएंगे और इसके बाद हम इसे सीधे तौर पर मिट्टी में लगा देंगे। अब बारी है कटिंग को गार्डन सॉइल में लगाने की। इसके लिए हमने 10 से 12 इंच का गमला लिया है। इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल यानी कि बाग की मिट्टी है, जिसमें गोबर वाली खाद मिला दी गई है। इसमें हम बीच में जगह बनाएंगे और हमने जो कटिंग को काटा था उसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ कटिंग वर्टिकली भी लगा सकते हैं, जैसे गुलाब की कलम लगाते हैं। इसके बाद इसमें पानी देना बहुत जरूरी है। पानी हमेशा गमले के किनारों से दें और हाँ, इसे धूप वाली जगह में प्लेस करें जहाँ हल्की धूप सुबह शाम मिलती रहे। वाटरिंग इसमें रोजाना करना है। पॉट वेल ड्रेन रहना चाहिए। और आपकी कटिंग लगी है या नहीं, ये परिणाम आने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग जाएगा। इस गमले में कटिंग्स लगाए हुए 6 हफ्ते हो गए हैं और अब हम इसे निकाल कर देख सकते हैं। हमने जो कटिंग लगाई थी उसे हम निकाल रहे हैं। बहुत सावधानी पूर्वक जड़ों को निकालना चाहिए। इसके लिए आप ट्रॉवेल या खुरपी का इस्तेमाल करें
और इसे गहराई तक अंदर ले जाएं, फिर इसे पुष्ट करें। हालांकि ये प्रक्रिया आवश्यक नहीं है और इसे करने की आवश्यकता नहीं है। रूट्स ग्रो हुई है या नहीं ये आपको पत्तों की डेवलपमेंट देखकर पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं या पत्ते पहले से कुछ बड़े हो गए हैं। हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए रूट्स निकाल रहे हैं। आप जब भी इस तरह से कटिंग ग्रो करेंगे तो उसे उखाड़ कर आपको देखना नहीं है। हमने एक कटिंग हॉरिजॉन्टल लगाया था और बाकी कुछ कटिंग्स वर्टिकली लगाए थे। रूट्स दोनों में ही आ गए हैं और रूट्स की डेवलपमेंट आप देख सकते हैं अच्छी खासी हुई है। जिस कटिंग को हमने हॉरिजॉन्टल लगाया था उसमें रूट्स ज़्यादा बड़ी आई हैं। कारण बस इतना सा है कि वो मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा था। आप चाहें तो इसे किसी बड़े वेल्ड्रन पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या चाहे तो इसे इसी पॉट में बना रहने दीजिए। अभी विंटर आने को है, आया नहीं है। पौधे के गमले में अच्छे से गोबर वाली खाद डालेंगे तो सर्दियों में इसमें काफी सारी फ्लावरिंग होगी। मोगरा या बेला के पौधे की सही तरह से देखभाल की जाए तो ये पौधा 20-25 साल तक सर्वाइव करता है, उससे ज्यादा भी सर्वाइव करता है, और इसमें काफी सारी फ्लावरिंग आती है। मोगरा की देखभाल में समय समय पर गमले से खरपतवार या वीड्स को निकालना है, और इसके अलावा इसमें हर बार फ्लावरिंग से पहले आपको गोबर की अच्छी खासी खाद देनी होती है। कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए खास तौर से मोगरा के लिए बनाई गई खाद का इस्तेमाल कीजिए, और हर बार जब फ्लावरिंग खत्म हो जाए, फूलों का खिलना बंद हो जाए, तो इसको प्रून कर दीजिए, यानी इसकी छटाई कर दीजिए। पुरानी शाखाओं को काटने के बाद जो नई शाखाएं आएंगी उन पर बहुत सारी कलियां और ढेर सारे फूल फिर से आएंगे। और हाँ, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है, आप मोगरा लगाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।